हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो में। चैप्टर है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी हमारा नया चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये हमारा चैप्टर क्लास 11th और नीट। ठीक है, नीट दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली अगर बात करते हैं तो क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ड्यूरिंग इवोल्यूशन द नर्वस सिस्टम फर्स्ट अपीयर्ड इन हाइड्रा। ठीक है, जब इवोल्यूशन का टाइम था, जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस समय क्या था कि जब कह सकते हैं एक प्रकार से, जब इसको हम बोल सकते हैं एवोल्यूशन का मतलब जब विकास होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब जीव जंतुओं का, इंसानों का विकास होना स्टार्ट हुआ था, यानी जब ड्यूरिंग इवोल्यूशन हुआ था, उस कंडीशन में अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो फर्स्ट अपीयर्ड इन हाइड्रा। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम हाइड्रा में देखा गया था। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो हाइड्रा में हमें देखने को मिला। आगे, इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ नर्वस फाइबर। तो हमें किस फॉर्म में देखने को मिला, एक नेटवर्क के फॉर्म में, नेटवर्क ऑफ नर्वस फाइबर्स। नर्वस फाइबर्स का एक नेटवर्क था किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। तो वो जो नेटवर्क था, जो न्यूरल नर्वस फाइबर्स जो थे, नर्वस फाइबर्स का एक नेटवर्क था हाइड्रा में, और वो नेटवर्क करता क्या था, उस नेटवर्क का फंक्शन ये था, ये करता था कि जो हमारा ये जो फॉर ट्रांसमिशन का वर्क करता था, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स थे, इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो नर्वस सिस्टम सबसे पहले देखा गया हाइड्रा में, और हाइड्रा में ये नर्वस फाइबर का एक नेटवर्क था, एक जाल टाइप का था। उस नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या था, वो नर्वस सिस्टम हाइड्रा में बेसिकली वर्क करता था कि बॉडी के एक पार्ट से इम्पुल्स को ले जा करके बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज वेरी सिंपल एंड डज नॉट हैव अ सेंट्रलाइज ऑर्गन ब्रेन। देखो, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही एक सिंपल है, सिंपल नर्व सिस्टम है। अब सिंपल नर्व सिस्टम इसलिए हम कहते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन जैसे कि ब्रेन नहीं पाया जाता हाइड्रा में, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही साधारण सा, यानी वेरी सिंपल होता है। ठीक, इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो द नर्वस सिस्टम इज वेरी हाईली डेवलप्ड। हम इंसानों की, यानी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होता है। जैसे हम में और आप में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड होता है, यानी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, एंड कॉम्प्लेक्स विद ब्रेन एज अ सेंट्रल ऑर्गन। ठीक है, और हम आप में क्या होता है कि एक सेंट्रल ऑर्गन होता है जिसे हम लोग ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ह्यूमन बींग्स का अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही डेवलप्ड होता है, और डेवलप्ड होता है इसी के हमें फ़ायदे हैं। कई बार हम कई सारी चीज़ों से बच भी जाते हैं। हमारे पास से क्या होता है, अचानक से मान लेते हैं आपके सामने से बाइक निकली, कार निकली, या कोई भी चीज़ निकली, और आप तुरंत बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नर्वस, हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम के फ़ायदे भी हैं इंसानों में, है ना। अब अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर हाईली नर्वस सिस्टम डेवलप ना होता तो हम क्या करते, अगर किसी गर्म चीज़ को पकड़े रहते तो हमारा हाथ जलता रहता। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे आपने टच किया वैसे ही तुरंत आपको पता चल जाता है ये चीज़ गर्म है, हम अपने हाथ को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम जलने से बच जाते हैं, है ना। या किसी नुकीली चीज़ पर हम हल्का सा ही पैर रखते हैं और
थोड़ा सा भी चुभता है हमें, तो वो क्या होता है तुरंत हमें पता चल जाता है, जिससे हम अपना पैर पीछे कर लेते हैं या पैर अपना हम दूर कर लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है ना। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिससे जो हमें हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही पता चल जाती हैं, और नर्वस सिस्टम हमारे हेल्प करता है। जैसे आपके शरीर पे चींटी या फिर कोई चीज़ चढ़ जाती है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल ही है कि हमारा हाईली नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हाई डेवलप्ड है। हाई डेवलप्ड यानी 24 आवर्स क्या होता है, बिल्कुल अपनी राइट पोजीशन में रहता है, तो जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है, हम उस चीज़ को सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है इन ह्यूमन बींग्स में कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, हाईली डेवलप्ड होता है बच्चों, विद कॉम्प्लेक्स विद ब्रेन। अब हमारे में ब्रेन होता है एज अ सेंट्रल ऑर्गन, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ब्रेन होता है सेंट्रल ऑर्गन। जबकि हम हाइड्रा की बात कर रहे थे, उसमें नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपल होता है, उसमें कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझे होंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, और नर्वस सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है, तो आप जानते होंगे डेली है ना। अगर हमें कोई चीज़ गर्म चीज़ टच करा दी जाए तो हमें पता चल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अगर ठंडी चीज़ हमें टच कराई जाए तो भी हमें पता चल जाता है, कोई पिन चुभता है तो भी पता चल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा जो वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं, ये सारी हमें किसके द्वारा, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही पता चलती हैं। अब इसी नर्वस सिस्टम को हम और आगे डीपली पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं तो ये नर्व सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नर्व सेल यानी न्यूरॉन से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। ठीक है, अब न्यूरॉन होती क्या, इनके बारे में देख लेते हैं। नर्व सेल आर न्यूरॉन इज बिल्डिंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन सेल या नर्व सेल होती क्या बच्चों, तो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग यूनिट होती हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या कर, हमें छोटी छोटी ईंटों को लगा करके एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं, तो वैसे ही जो हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, उस नर्वस सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी क्या हो जाती है, नर्व सेल होती है यानी न्यूरॉन हो जाती है। और इन्हीं न्यूरॉन के मिलने से हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी नर्व सेल होती हैं यानी जो न्यूरॉन होते हैं उनके मिलने से नर्वस सिस्टम हमारा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें बिल्डिंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, देयर आर अबाउट 30 बिलियन नर्व सेल इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम में की बात कर लेते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में 30 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं या न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में बिछा हुआ एक जाल है, वो नर्वस सिस्टम 30 बिलियन न्यूरॉन या नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम ये जो स्ट्रक्चर बना है ये नर्व सेल यानी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम पहले जान लेते हैं पार्ट कौन कौन से होते हैं, फिर एक एक पार्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो अंदर इंटरनल पार्ट दिखाया जा रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोन। ये जो पार्ट दिख रहा है ये साइटोन होता है बच्चों, और साइटोन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या होती है, ये सेल बॉडी होती है। क्या होती है बच्चों, ये सेल बॉडी होती है। यहाँ पर ये देखिएगा जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ ये है ना, इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट के बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सब एक्सॉन पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सॉन पार्ट होता है। ये क्या दिख रहा है आपको, एक्सॉन। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर ये जहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं बच्चों, नोड ऑफ रैनवियर। ओके, ऊपर से यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको क्या, इसको बोलते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ होता है, और ये हमारा क्या होता है, एक्सॉन
टर्मिनल होता है, क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है। तो हमने अभी सिर्फ पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है ना, अब इनकी एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेंड्राइट्स के बारे में बच्चों जान लेते हैं। डेंड्राइट होता है क्या है, तो दीज आर हेयर लाइक होलो प्रोसेसेस। अब देखो डेंड्राइट क्या होते हैं बच्चों, डेंड्राइट ये हेयर लाइक होलो स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक मतलब बहुत ही महीन होते हैं है ना, और ये होलो स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपको जो दिख रहा है, ये यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको निकले हुए, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं है ना। कनेक्टेड टू द साइटोन, अब ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, इस साइटोन से कनेक्ट होते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये साइटोन से कनेक्ट होते हैं। डेंड्राइट्स रिसीव स्टिमुलस विच मे बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल। अब देखो इट इज़ पासिस ऑन द स्टिमुलस टू साइटोन। अब देखो बच्चों ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि बाहर से जो भी इनको स्टिमुलस मिलते हैं, स्टिमुलस मतलब क्या होते हैं, जो भी इम्पुल्स टाइप का होता है ना। अब स्टिमुलस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने कोई गर्म चीज़ टच की, ठीक है, तो वो जो गर्मपन हमें फील हुआ वो कह सकते हैं उसको स्टिमुलस, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, पूरे बॉडी में हमारे नेटवर्क हेयर लाइक फैले हुए हैं। अब बॉडी के जिस पार्ट में, मान लेते हैं हमने यहाँ पर बॉडी के इस पार्ट में यहाँ पर कस के दबाया, ठीक है, या हमने कोई पिन ली पतली सी और इसको यहाँ पर चुभो दिया, तो जब हम चुभो देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमें पेन होता है। तो जो पेन होगा यहाँ, जैसे हमने स्विच चुभोई, तो ये स्टिमुलस कौन कैच करेगा, ये हमारे डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट उस स्टिमुलस को कैच करेंगे। अब वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, वो स्टिमुलस हमारा इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। स्टिमुलस कई तरीके से होता है, थर्मल का मतलब कोई गर्म चीज़ अगर हम छू लें है ना, केमिकल का मतलब कोई केमिकल से रिलेटेड अगर हम कुछ कर लें है ना, मैकेनिकल का मैकेनिकल। तो चाहे कुछ भी, अगर बॉडी को हमारे मैकेनिकल स्टिमुलस, केमिकल है ना, थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स, जैसे लाइट करंट मारती है ना इलेक्ट्रिकल, तो अगर हम क्या करते हैं, तो ये जो भी हमारे यहाँ पर टच हुआ वो स्टिमुलस या उस इम्पुल्स को लेकर के ये डेंड्राइट कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं कहाँ तक, साइटोन में भेजेंगे, ठीक है। यानी ये डेंड्राइट्स यहाँ से, मान लेते हैं हमारी बॉडी है और इस बॉडी से स्टिमुलस लेंगे, और लेने के बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ से स्टिमुलस लिया, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई गर्म चीज़ है ना, यहाँ पर कोई कफ रखा हुआ है ना, ये कफ रखा हुआ है और हमने कप को पकड़ लिया, कप बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो उस स्टिमुलस को यहाँ से ये डेंड्राइट्स लेंगे अपने से, और लेने के बाद में उसको यहाँ तक पहुँचा देंगे, कहाँ तक, सेल बॉडी तक, यानी साइटोन तक पहुँचा देंगे, ठीक, स्टिमुलस टू साइटोन, ठीक है। तो ये बाहर से स्टिमुलस को लेगा और साइटोन तक पहुँचाएगा, कौन, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं साइटोन के बारे में। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये साइटोन है बच्चों, तो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो साइटोन ये जो होता है ये बॉडी का मेन पार्ट होता है, किसका, किसी भी न्यूरॉन का, ठीक है। कनेक्टिंग अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोन काम क्या करता है कि जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पर इस सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है, न्यूक्लियस को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी में जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करा के रखेगा, यानी जोड़ कर रखेगा, कौन, ये हमारा साइटोन होगा, है ना। इन द साइटोन द स्टिमुलस इज चेंज टू इलेक्ट्रिकल पल्स। अब देखो ये जो साइटोन होगा, जो हमारा स्टिमुलस होगा, जो इम्पुल्स आएंगे हमारे, उनको क्या करेगा, वो
इलेक्ट्रिकल पल्स में चेंज करता है, ठीक है, किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स में चेंज कर देता है, ठीक, यहाँ तक समझ में। फ्रॉम वन साइड ऑफ साइटोन अराइजेस एक्सॉन लॉन्ग सिलेंड्रिकल होलो प्रोसेस फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारा क्या होगा, साइटोन का पार्ट होगा, उस साइटोन के पार्ट से एक साइड से एक लंबा सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि साइटोप्लाज्म से फिल्ड रहता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, एक्सॉन बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सॉन की, बात करेंगे, ये एक्सॉन दिख रहा है आपको, इट ट्रांसमिट, सबसे पहले ये क्या होता है, नर्व सेल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो नर्व सेल होगी उस नर्व सेल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा एक्सॉन होता है बच्चों, ठीक है। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स फ्रॉम साइटोन टू टिप ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट का वर्क करता है, ट्रांसमिट का मतलब एक किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ठीक है। तो क्या करेगा, इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स, ये इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स को लेगा फ्रॉम साइटोन टू द टिप ऑफ एक्सॉन। तो देखो एक्सॉन क्या करेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स होंगे, ठीक है, उन इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स को कहाँ से लेगा, साइटोन से लेगा, और साइटोन से लेता हुआ ये अपने लास्ट पार्ट में जाएगा यहाँ तक, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, या फिर इसको बोल सकते हैं टिप ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन क्या करेगा कि यहाँ से साइटोन से इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स लेगा और अपने नीचे यहाँ तक पहुँचाएगा उसे, टिप तक, ओके। आगे देखो, एक्सॉन इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन कॉल्ड माइलिन सीथ, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन होता है वो एक लेयर से कवर्ड होता है, ठीक है, एक्सॉन को क्या होगा कि एक लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइलिन सीथ, है ना, और वो लिपोप्रोटीन से कवर्ड होगा, यानी एक्सॉन के ऊपर एक लिपोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होगी जो उस एक्सॉन को कवर्ड करके रखेगी, जिसे हम लोग माइलिन सीथ बोलते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। द सीथ हैज़ अ स्लाइट डिप्रेशन एट वन पॉइंट टू द ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। अब देखो ये सीट क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक आएगी और यहाँ से यहाँ तक, तो ये सीट एक पॉइंट पर क्या होती है, जुड़ी होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और यहीं पर हमारे सोडियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है, सोडियम आयन जो होते हैं वो हमारी जो भी मैसेजेस हैं उनको लाने और ले जाने का काम में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों, सोडियम आयन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब सोडियम आयन इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो हम लोग नमक वगैरह हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से सोडियम मिलता है। अगर सोडियम आयन यहाँ पर कम हो जाए, ठीक है, यहाँ पर कम हो जाए, तो ये सोडियम आयन अगर यहाँ पर कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में देखा होगा आपने कई सारे बच्चे धूप में क्या होता है कुछ समय के बाद में चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, ठीक है, तो वो सोडियम आयन की कमी की वजह से ही ये जो चक्कर आना है ना, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होता है जब किसी को चक्कर आता है तो उसको घोल वगैरह बना देते हैं नमक और चीनी का, ठीक है, नमक में क्या होता है सोडियम, और सोडियम जैसे बॉडी को मिलता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम पाया जाता है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओके। अब हम फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारा फंक्शन कैसे करता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो तो बच्चों नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बात करें स्टूमल्स, जो भी हमें बाहर से स्टूमल्स मिलते हैं वो स्टूमल पल्स के थ्रू कहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं सेंसरी ऑर्गन तक, ठीक, सेंसरी ऑर्गन से ये कहाँ पर पहुँचेगा, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी नर्व सेल में पहुँचेगा, और सेंसरी नर्व सेल से ये पहुँचेगा कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचेगा, कहाँ पर पहुँचेगा,
स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हमें यहाँ पर क्या हुआ, हमने गर्मा गर्म ग्लास छू लिया, टच किया, तो वो जो टच किया तो वो सबसे वो स्टिमुलस या इम्पुल्स क्या होगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, सेंसरी ऑर्गन में जाएगा, सेंसरी ऑर्गन से वो सेंसरी नर्व सेल में जाएगा पल्स के थ्रू, अब सेंसरी नर्व सेल से वो कहाँ जाएगा, ये सब नर्व सेल कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बैक पीछे होती है, स्पाइनल कॉर्ड में गया, और स्पाइनल कॉर्ड से ये इम्पुल्स कहाँ जाएंगे, स्टिमुलस हमारे ब्रेन में जाएंगे, अब ब्रेन तुरंत समझ जाएगा, अब ब्रेन तुरंत वहाँ से क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, और ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही स्पीड में होती है, सेकेंडों में हो जाती है ना। तो ब्रेन के पास जैसे ही ये हमारी जो मैसेज पहुँचेगा तो ब्रेन वहीं से क्या होगा, ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स देगा, तभी तो हम ग्लास तुरंत जैसे गर्मा गर्म छुआ और तुरंत छोड़ देते हैं, है ना। तो ब्रेन मैसेज देगा, रिस्पॉन्स करेगा, वो भी हमारा पल्स के थ्रू होगा, वो कहाँ जाएगा मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो मोटर नर्व सेल में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, मोटर नर्व सेल में जाएगा, और मोटर नर्व सेल से वो रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, वो जाएगा मसल से, और मसल से हमें तुरंत पता चल जाता है। तो ये प्रोसेस जो फंक्शन होता है वो बहुत ही कह सकते हैं नैनो सेकेंड्स वगैरह भी, यानी बहुत स्पीड में होता है। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया, गर्मा गर्म ग्लास को पकड़ा, तो जैसे ग्लास पकड़ेंगे तो तुरंत हम छोड़ देते हैं ना, गर्म होता है सेकेंडों में ही छोड़ देते हैं, तो ग्लास जैसे हम लोग पकड़ते हैं तो यहाँ से स्टिमुलस हमारा या इम्पुल्स वगैरह कहाँ जाते हैं, तुरंत सेंसरी ऑर्गन को जाते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन्स बॉडी से कहाँ पर जाएंगी, सेंसरी नर्व सेल में जाएंगी, मैसेज को भेजेंगी, सेंसरी नर्व सेल कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज यहाँ पर जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में पहुँचेगा, ब्रेन क्या करता है, तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स कैसे करेगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व सेल, मोटर नर्व सेल से मसल्स में जाएगा, और मसल से तुरंत हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, हम चट से बिल्कुल ग्लास छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हमने आज सिर्फ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जाना। अब इसके भी हमारे कई टाइप्स होते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं, टाइप होते हैं, तो उन टाइप्स को हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।